गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको जो हमारे पर्यावरण पे जो निर्भर हैं जो जीव, उनके विषय में आपको बताया गया था। थोड़ा सा 12 तारीख को हम उसमें फूड प्लांट, उनका फूड और वुड, पेपर, रबर, गम, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, यहाँ तक आपको हम बताए थे। आगे कि और हमें इन जानवरों से क्या मिल जाता है, प्लांट से और जानवरों से, उसमें अगली कड़ी है मिल्क। मिल्क माने दूध। दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जानवरों से मिलता है। काऊ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। हमें गाय, भैंस, बकरी, ये सब दूध देती हैं। मिल्क इज कंज्यूम एज सच एंड फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स। मिल्क को हम क्या करते हैं, और दूसरी चीज़ें बना लेते हैं, उससे दही बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, क्रीम बना लेते हैं, ये सब चीज़ें हम दूध से बना लेते हैं। इस तरह अंडा है, एग्स ऑब्टेन फ्रॉम हेंस। हम जानते हैं कि अंडा कहाँ से मिलता है, हमें मुर्गियों से मिलता है। देयर आर फुल ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अंडे में प्रोटीन की मात्रा, जो हमारा पोषक तत्व प्रोटीन है, इनकी मात्रा अधिक होती है। मीट है, मीट इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट, चिकन, फिश। हमें मांस कहाँ से मिलता है, या तो बकरी का मिलता है, बकरी, भेड़, चिकन, मुर्गी, मछली, यही सब हमारे मीट के रिसोर्स हैं, संसाधन हैं। और वो जानवर वो पौधे पे निर्भर करते हैं, हम सभी जानते हैं, अपने भोजन के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल आर लिंक्ड टुगेदर बाय व्हाट दे ईट। पौधे, जानवर एक दूसरे पे निर्भर हैं, वो क्या खाते हैं। दीज लिंक्स फ्रॉम ए फूड चेन ऑन लैंड। ये फूड चेन के रूप में पृथ्वी पे दिखाई पड़ता है। जैसे शेर है, शेर हिरण को खाता है, हिरण घास को खाता है, इस टाइप से एक चेन बना हुआ है कि कौन किसको खाता है। वाटर और मिट्टी, जैसा जहाँ जो रहता है उसकी तरह से वो अपने आप को ढाल लेता है। द प्रोसेस ऑफ वन काइंड ऑफ लिविंग थिंग ईटिंग द अदर एंड गेटिंग ईटन बाई अनदर लिविंग थिंग्स मेक इट चेन। एक प्रकार का जो जीव है दूसरी प्रकार के जीव को खाता है, वह फिर दूसरी प्रकार को खाता है, इस टाइप से एक दूसरे को ये खाते रहते हैं, यही फूड चेन कहलाता है। यानी कि आपस में एक दूसरे से लिंक रहते हैं, यही फूड चेन कहलाता है। बेसिकली फूड चेन शोज द वे फूड प्रोसेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। फूड चेन है क्या, कि एक से दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से जो अपने भोजन को करते हैं, यही बेसिकली फूड चेन कहलाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, ये पानी से, हवा से, और जो मिट्टी में खनिज पदार्थ होते हैं उन्हीं से अपना भोजन वो तैयार करते हैं। ह्यूमन बींग एंड एनिमल कंज्यूम दिस फूड। मनुष्य, जानवर, ये सब इनकी खपत में लगे होते हैं, इनको खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बिवर्स। कुछ जो पौधों पर ही निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। और कुछ जो जानवरों को फ्लैश के ऊपर, मांस के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कार्निवर्स यानी मांसाहारी कहते हैं। अब कुछ जो दोनों होते हैं, जैसे आदमी है, आदमी मांस भी खाता है और शाकाहारी भोजन भी करता है, तो वो ओमनीवर्स यानी सर्वाहारी भी उसको हम बोलते हैं। इन ए फूड चेन ऑर्गेनिज्म्स आर लिंक्ड बिकॉज ईच बिकम ए फूड फॉर द नेक्स्ट एनिमल इन द लिंक ऑफ ट्रांसफर इट्स न्यूट्रिएंट। ये फूड चेन एक से दूसरे में ये लिंक होता है, क्योंकि जो एक खाया फिर उसको दूसरे ने खा लिया, फिर वो जो खाया उसको तीसरे ने खा लिया, इस तरह से एक जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। द प्लांट्स इज ईटन बाय द रैबिट। मान ये पौधा है, पौधे को खरगोश ने खाया, एंड द रैबिट इज ईटन बाय टाइगर, और फिर रैबिट को टाइगर ने खा लिया। स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स सच एज ए हाइनस एंड वल्चर विच फीडर ऑन द टाइगर्स व्हेन इट डाइज। कुछ जीव ऐसे होते हैं, जानते होंगे, जो मरे हुए को दूसरा कोई शिकार करता, जब वो मर जाता है तो उनको खा करके अपना जीवन जीते हैं। उसमें कीड़ गिद्ध ये सब आते हैं, ये मरे हुए जीवों को ही खाते हैं।
The रिटर्न पार्ट ऑफ द डेड एनिमल्स गेट मिक्सड विद द सॉयल, और जो मरे हुए चीज़ों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जैसे हड्डी उड्डी है, ये जो बच जाता है ये मिट्टी में मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, कंपोस्ट के जरिए ये मिट्टी में मिल जाता है हड्डी उड्डी सब। दिस कंपोजर ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स, ये जो कंपोजर होते हैं ये पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, एंड पास देम टू द सॉयल, और ये मिट्टी को वापस करते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं। The nutrients are again used by the plant to produce food. फिर वो मिट्टी पौधा जब उगाती है, पौधे उगते हैं, तो वही न्यूट्रिएंट्स फिर पौधों में आ जाते हैं। देखिए, जानवर मरा, उसको लोगों ने खाया, जो बच गया वो मिट्टी में फिर मिल गया, मिट्टी में मिल करके फिर वो जो पोषक तत्व, फिर वो मिट्टी से फिर पौधे में आ गए, फिर पौधों को आदमी ने खाया, तो यही चीज़ें चलती रहती हैं। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट ऑन एनिमल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसके दौरान प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। इस दौरान पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ऑक्सीजन को छोड़ने की आवश्यकता होती है वातावरण में। ह्यूमन बीइंग ब्रीथ इन एयर द यूज ऑक्सीजन, जो पौधे के द्वारा निकाला जाता है ऑक्सीजन, वो जो हवा में है वो मनुष्य उसको प्रयोग में लाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पौधे उसे ले लेते हैं अपने जीने के लिए, वो ऑक्सीजन देते हैं हम अपने जीने के लिए उसको ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो फॉर्म वेन वी बर्न सम फ्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आल्सो फॉर्म तब, और भी ये बनता कैसे है, जब हम आग जलाते हैं तब उससे जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है। द कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे होते हैं उनको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको सोख लेते हैं। द प्रिपेयर फूड विच इज टर्न इज यूज बाय ह्यूमन बींग, और जो उससे जो भोजन बनता है, यानी कि जो पौधे, गाजर, मूली, प्याज, ये सब वो आदमी लोग उसे खाते हैं, एज वेल एज अदर एनिमल्स, और कुछ जानवर भी खाते हैं। दस प्लांट्स डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग फॉर द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे भी मनुष्य के ऊपर निर्भर हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको भोजन बनाने के लिए देते हैं। एंड ह्यूमन बींग डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, और पौधे के ऊपर आदमी निर्भर है क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है और भोजन देता है। दस वी कैन से, इसलिए हम ये कह सकते हैं, दैट मैन एंड एनवायरनमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर एक्सिस्टेंस, दोनों को अपनी उपस्थिति के लिए, अपने जीने के लिए, अपने रहने के लिए, उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक दूसरे का होना बहुत जरूरी होता है और उनके बिना वो नहीं रह सकते। इसलिए एसिपिटल चैप्टर 5 आपका पूरा हो गया, और इसके वर्ड मीनिंग आपको कल चैप्टर 5 के लिखा दिए जाएंगे, और आप इसको एक बार फिर बुक लेकर के पढ़ें और वर्ड मीनिंग को याद करें। थैंक यू।